modify. Stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, इसके एनाटॉमी, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसका टाइप, सब कुछ। सबसे पहले हम देखेंगे मसल्स एक सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन है, यानी कि बेसिकली इसकी जो साख्त है वो सॉफ्ट नेचर होता है। जिसको मसल्स को अगर हम उर्दू की ज़बान में देखें तो मसल्स को हम गोश्त कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या मौजूद होता है, ये स्ट्राइटेड होते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना प्रोटीन की मिकदार मौजूद होती है, जिसको हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करे। कंट्रैक्शन से मुराद यानी कि अगर आप कोई चीज़ उठाना चाहो तो आपके मसल एक दूसरे में खिंचाव प्रोड्यूस करके आपको फोर्स जनरेशन या आपकी मूवमेंट को अच्छी तरह से परफॉर्म करने में मदद प्रोवाइड करती है। इसके बाद ये उसने हमारे बॉडी को स्टेबलाइज किया हुआ है। जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ मसल्स ने मुख्तलिफ बोन्स को कवर किया हुआ है और उसको अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हमारे पास मसल्स में कॉस्मेटिक इफेक्ट देता है। अगर खुदा न खासा जिस बंदे में मसल्स कम हो या जिस बंदे में हाइपोट्रॉफी हुई हो, तो आप देखो वो बंदा आपको अजीब सा लग रहा होता है, भूत भूत जैसी शक्ल उसकी नज़र आ रही होती है। तो ये मसल ही है जिसने हमारे खूबसूरती को निखारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स क्या है। टाइप्स हमारे पास दो तरह की चीज़ हम टाइप्स पढ़ेंगे। एक हमारे पास मसल्स के टाइप होंगी और एक हमारे मसल फाइबर्स के टाइप होंगी। सबसे पहले हम मसल्स के टाइप पढ़ेंगे। तो मसल्स के टाइप हमारे पास एक फर्स्ट पर आता है स्केलेटल मसल है, उसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल्स आते हैं, और तीसरी जो टाइप है वो कार्डिक मसल जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल का काम क्या है कि वो फोर्स प्रोड्यूस करती है और मोशन प्रोड्यूस करती है। और इसके अलावा ये क्या है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री से मुराद हमारा ये है कि ये इसका ये हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे अंडर कंट्रोल है। इसकी जो जितनी भी मूवमेंट हम प्रोवाइड परफॉर्म करते हैं वो हमारे कंट्रोल में होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ हिलाना चाहें तो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जब तक हम में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो। इसके अलावा ये स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। स्ट्राइटेड मसल्स से मुराद इसमें एक्टिन और मायोसिन की मिकदार मौजूद होती है, और इसके अलावा इसके इसमें दो अटैचमेंट्स होती हैं। ये सारे इसके फीचर्स हैं स्केलेटल मसल के। अच्छा, दो अटैचमेंट्स होते हैं, और दो अटैचमेंट से मुराद एक ओरिजन होता है और एक इंसर्शन, यानी कि जो आपकी जो मसल्स हैं वो लाजमी कहीं से स्टार्ट हुए होंगे और कहीं पर ख़त्म हुए होंगे, यानी कि दो इंसर्शन, ओरिजन और इंसर्शन। अच्छा, जितने भी मसल की बैली जो है ना वो मोर डिस्टल यानी कि एक जॉइंट से दूर होगी, उतना ही उसकी जो वो और ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म कर सकेगा, और जितने भी वो नज़दीक होगी मसल बैली यानी कि मसल छोटा होगा उसकी मूवमेंट कम होगी। से जो दरमियाना पार्ट है, जो बिल्कुल ये फ्लैशी पार्ट जिसको गोश्त वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मसल बैली कहते हैं। अच्छा जी, जो मसल है वो अटैच होता है तीन चीज़ों की मदद से। एक तो आपके पास टेंडन आ जाता है, दूसरा आपके पास आ जाता है एपोनीरोसिस, और तीसरा आपके पास आ जाता है रेफाए। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है ना ये एरियोलर टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, मगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जो है ना जो एरियोलर टिश्यूज़ की मिकदार है, या जो कुछ में एरियोलर कुछ टिश्यूज़ की एक टाइप होती है, कुछ में दूसरे, जिसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर आ जाता है, इलास्टेंस आ जाते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारे इलास्टेंस फाइबर्स आ जाते हैं। तो ये एरियोलर टिश्यूज़ इनमें मौजूद होती हैं। इनका काम क्या होता है कि एक मसल्स को दूसरे मसल के साथ अटैच करना या बोन के साथ अटैच करना, ठीक है। अच्छा, फंक्शन इसका क्या है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल का मेन फंक्शन, एक तो ये सॉफ्ट टिश्यू है, कंटेंट्स जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। काम कंट्रक्शन प्रोड्यूस करना है, फोर्स और मूवमेंट प्रोवाइड करना है, और हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करना है, और कॉस्मेटिक इफेक्ट देना है।
अच्छा, टोटल हमारे बॉडी में 640 मसल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 320 पेयर्स की शक्ल में हमें मसल्स मौजूद हो जाते हैं, यानी लेफ्ट पर 320 और लेफ्ट राइट साइड पर भी 320 मसल। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो हमारे पास कुछ यूँ स्ट्रक्चर आ जाता है। फर्स्ट करिए, जो राउंड स्ट्रक्चर है हमारे पास एक मसल है, ये मसल का जो राउंड स्ट्रक्चर ऊपर जो लेयर उसको हम एपिमीजियम कहते हैं, उसके अंदर जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जो मैं आपको आगे आपको सही आगे ओरिजिनल स्ट्रक्चर बताऊंगा, मगर आप फिलहाल यहाँ से सिर्फ अपने जहन नशीन कर लें, इसको हम पेरिमीजियम कहते हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आते हैं राउंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एंडोमीजियम कहते हैं। अच्छा, जो यो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स। अच्छा, अब इस मायोफिब्रिल में मैं आपको बताता हूँ आगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर में आपके मुख्तलिफ लाइंस नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको आई एच बैंड कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आई बैंड कहते हैं, और ये जो लाइन है, ये लाइन रेड वाली, इसको हम कहते हैं रेड जेड लाइन, ठीक है। अच्छा, और ये जो जिसने मायोसिन को क्या कहते हैं कवर किया है या स्टार्टिंग दी हुई है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटन कहते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास ये मायोसिन है, ये वाला स्ट्रक्चर मायोसिन है, और ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये एक्टिन है। ओके, अच्छा, ये रिलैक्स्ड मसल है, जब मसल रिलैक्स होता है तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखें आप एच बैंड के दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये जो एक दूसरे के करीब एक्टिन और मायोसिन आ जाते हैं और एक दूसरे को बाउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसका इसमें मैं आपको ओरिजिनली बताऊंगा कि एपिमीजियम क्या है, पेरिमीजियम वगैरह। अच्छा, अगर ये सार्कोमेयर है जैसे, तो ये एपिमीजियम है जो मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में बताया था, ये आपके पास पेरिमीजियम है और ये आपके पास एंडोमीजियम है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए और रहे होंगे, जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो मसल है, इसको मैं अभी बताता हूँ कि इसको, ये फॉर एग्जांपल ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, फॉर एग्जांपल ये हमने ये एक मसल फाइबर यहाँ पर उठा लिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है। सबसे पहले ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, हमारे पास ये स्ट्राइटन्स मौजूद होते हैं, स्ट्राइशन जिस जो एक्टिन और मायोसिन पर मबनी होती हैं, उसमें मायोफिब्रिल्स जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जो ये राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको मायोफिब्रिल कहते हैं, जो उसके जो इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म आप ऐसे एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने ग्लास में एक क्या कहते हैं पत्थर रखे और उसमें पानी डाला है, जो पानी वाला एरिया है वो क्या है, वो सार्कोप्लाज्म है, और जो पत्थर वाला एरिया है वो आपके पास मायोफिब्रिल्स। उसके बाद जो ऊपर का जो कवरिंग है, जो ग्लास, जो शीशे की ग्लास है, उसको आप ऐसे समझे कि वो सार्कोलेमा है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है कि जो मायोफिब्रिल्स है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्नेल एनाटॉमी क्या कहती है कि जो मसल्स जिसमें पैरेलल अलाइनमेंट ज़्यादा हो, या जो पैरेलल अरेंजमेंट मसल फाइबर की ज़्यादा हो, तो उसमें जो है ना जो रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि उसकी जो कंट्रक्शन है वो ज़्यादा होगी, जबकि उसी तरह उसी उसके मुखालिफ अगर जिस मसल की डेंसिटी ज़्यादा हो, या जो जिस मसल की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो, वो जितना मसल बड़ा होगा उतना ही वो फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल एनाटॉमी। अच्छा जी, मसल अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स किस तरह होती है। मसल फाइबर्स की एक्चुअली जो अरेंजमेंट है वो कुछ यूँ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि ये मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अरेंजमेंट मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये ठीक है, ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं। अच्छा, मसल फाइबर जो एक्चुअली होते हैं वो जो मसल फाइबर ऑब्लिकली रन कर रहे हो, यानी इस तरह लाइन में, इस तरह अलाइनमेंट में, इस तरह अरेंजमेंट में रन कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, पीनेट मसल फाइबर। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पीनेट फाइबर्स होते हैं, इसमें हमारे पास यूनी पीनेट, यानी वो मसल फाइबर जिसकी जिसके दोनों साइड पर टेंडन हो और वो एक ही डायरेक्शन में, जो उसकी ओब्लिकली एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हो,
उसके मसल फाइबर्स, उसको हम क्या कहते हैं, वो यूनिपिनेट कहते हैं, जैसे बाइसेप हमारे पास आ जाता है। अच्छा, उसके बाद बाइपिनेट वो मसल जिसमें जिसके जो फाइबर्स है वो दो डायरेक्शन मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, और उसको टेंडन जो उसका हो वो या जो अटैचमेंट हो वो बिल्कुल उसके सेंटर में हो। जैसे ये मसल आप देख रहे हैं, इसके जो फाइबर्स हैं देख रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और दरमियान में इसका टेंडन या कोई भी अटैचमेंट, उसमें रेफाए आ सकता है, टेंडन आ सकता है, या फिर एपोन्यूरोसिस आ सकता है। तो ये बाय मतलब दो तरह के मसल फाइबर टू अरेंजमेंट में मूव कर रहे हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं बीच में इनके जो अटैचमेंट है और दो डायरेक्शन में इसके जो मसल फाइबर है वो मूव कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीपिनेट से मतलब वो मसल जिसमें कई मिकदार में बाइपिनेट मसल पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये देखें बाइपिनेट मतलब ये देखें, फर्ज करें ये एक बाइपिनेट है, ये दो दूसरा बाइपिनेट है, ये तीसरा बाइपिनेट मसल फाइबर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, यानी कि बहुत सारे बाइपिनेट मसल जो एक ही मसल में पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपिनेट मसल फाइबर। ठीक है, जैसे डेल्टॉइड मसल है, आप इसमें देख रहे हैं ना कितने सारे मसल फाइबर अरेंजमेंट जो उसकी कितनी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद हम मसल एक्शन देखेंगे, मसल अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो मसल जो है ना, हर मसल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और जो हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो मुख्तलिफ मसल्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से ये मूवमेंट परफॉर्म होती है। सबसे पहले हम मुख्तलिफ वो देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे हम पास आ जाता है एगोनिस्ट मसल। एगोनिस्ट कौन से मसल्स है, या जिसको हम प्राइम मूवर्स भी कहते हैं, वो मसल जो एक स्पेसिफिक मूवमेंट परफॉर्म कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट मसल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइसेप मसल है, बाइसेप मसल का क्या काम है कि वो फोर आर्म को फ्लेक्स करना। ठीक है, ये बाइसेप मसल है, जैसे इसने इस फोर आर्म को यहाँ से लेकर यहाँ पर फ्लेक्स किया हुआ है, तो ये एगोनिस्ट ऑफ बाइसेप है। अच्छा, इसके मुखालिफ में एंटागोनिस्ट का क्या काम है, वो मसल जो एगोनिस्ट की मुखालफत करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइसेप, जैसे ट्राइसेप मसल का काम क्या है कि वो बाइसेप मसल यानी जो एगोनिस्ट है उसकी मुखालफत करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट के मुखालिफ। अच्छा, जब एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बात ज़रूरी दिमाग में रखें कि एंटागोनिस्ट मसल वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। और इसी तरह जब एंटागोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एगोनिस्ट रिलैक्स होगा। अच्छा, फिक्सेटर या स्टेबलाइजर मसल वो मसल है जो अपने शेप को या जो लेंथ है या जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको चेंज किए बगैर, यानी कि आइसोमेट्रिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो स्टेबलाइज करते हैं हमारी बॉडी को, ताकि जो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो ना हो सके और एक स्मूथ मूवमेंट परफॉर्म हो सके। अब साइनर्जिस्ट वो मसल है जो दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जॉइंट क्रॉस करे और वो अपना मोमेंट अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करवाते हैं, ताकि कोई भी गैर ज़रूरी मोमेंट या गैर ज़रूरी कोई ऐसी रेंज ऑफ मोशन या जो एबनॉर्मल मोवमेंट या एबनॉर्मल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म ना हो सके। तो ये काम किसका होता है, साइनर्जिस्ट का होता है। जैसे आपके पास ब्रेकियोरेडियालिस मसल है, ब्रेकियोरेडियालिस क्या होता है, दो जॉइंट क्रॉस कर रहा है और उसका काम क्या होता है कि जब फोर आर्म फ्लेक्स हो रहा हो या जो हम कोनी बंद कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास वेल परफॉर्म्ड मूवमेंट परफॉर्म करने में हमारी मदद करें, ताकि हमारा हाथ लेफ्ट राइट ना हो। स्केलेटल मसल की नर्व सप्लाई कैसी होती है कि जो हमारे पास मसल्स हैं उसके 60% हमारे पास जो मोटर होती है, मोटर से मुराद हमारे जो मूवमेंट हम परफॉर्म करवाते हैं या जो वॉलंट्री हमारे जो वॉलंट्री मसल्स हैं तो जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इससे मुराद हमारे पास मोटर नर्व सप्लाई है। और सेंसरी कौन से, जैसे नेम से जाहिर है, जिसमें हमारे पास आ जाता है पेन है और सस्टेंड प्रेशर आ जाता है और कोई भी ऐसा टच आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंसरी नर्व सप्लाई में आ जाता है। तो जो हमारे पास जो मसल्स है वो 60% मोटर सप्लाई, उसको नर्वेशन होती है ब्रेन की तरफ से, और 40% सेंसरी होती है।
क्या, सबसे पहले हम मोटर पॉइंट देखेंगे। मोटर पॉइंट बेसिकली वो एक नर्व जो कि एक मसल को बिल्कुल मिड पॉइंट से नर्व सप्लाई कर रहा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोटर पॉइंट कहेंगे। जबकि उसके अगर इसी चीज़ को हम ब्रॉडर एरिया पर देखें, यानी तीन चार मोटर यूनिट हम देखें तो, या चार से यानी कि ज़्यादा मोटर यूनिट्स अगर मोटर पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो इनर्वेटेड होती है एक मोटर यूनिट से। मोटर यूनिट मतलब एक जो बड़ा नर्व है वो सप्लाई कर रहा होता है मुख्तलिफ मोटर पॉइंट्स को, और वो मुख्तलिफ मोटर पॉइंट जाके मुख्तलिफ मसल्स को इनर्वेशन प्रोवाइड कर रही होती है, मसल फाइबर्स को। अच्छा जी, मसल्स जो स्केलेटल मसल हैं उनको नाम किस तरह दिए गए हैं, उनके नाम बेस्ड हैं जो सबसे पहले उनके शेप के लिहाज से, जैसे डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड से मुराद राउंड मसल, और उनके एक्शन के लिहाज से जैसे फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, इसका काम क्या है कि जो हमारा जो फोर आर्म है उसकी फ्लेक्जन, सॉरी जो हमारी फिंगर है, फिंगर्स हैं उसकी फ्लेक्जन या जो रिस्ट है उसकी फ्लेक्जन परफॉर्म करना, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। इसके अलावा हमारे पास लोकेशन में आ जाता है, लोकेशन जैसे बाइसेप ब्रेकियाई मसल आ जाते हैं, ब्रेकियाई बेसिकली इसी रीजन को कहा जाता है जहाँ पर ये बाइसेप मसल मौजूद है। अच्छा जी, साइज़ के लिहाज से जैसे कि हमारे पास लॉन्गेसिमस मसल है, यानी कि इसका साइज़ क्या है, लंबा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लॉन्गेसिमस लॉन्ग मसल यानी कि। अच्छा जी, नंबर ऑफ हेड्स, हेड से मुराद जैसे कि ट्राइसेप मसल है, उसके हेड कितने हैं, उसके तीन हेड हैं, इसलिए इसको ट्राई मतलब तीन हेड्स, ट्राइसेप तीन हेड वाला। इसके अलावा जो हमारे पास मसल्स के नेम दिए गए हैं वो अटैचमेंट्स में, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इलियकस या सोस, इलियो सोस मसल जिसको हम कहते हैं, इलियम मानी इनके इलियम मसल से, जैसे ये देखिए इलियम बोन है, यहाँ से क्रॉस होते हुए ये गया है ऊपर, यहाँ से और इलियक मसल से और वर्टिब्रा से नीचे आया हुआ है फीमर की तरफ, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं इलियोसोस मसल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मसल्स का दूसरा टाइप आ जाता है जिसको हम स्मूथ मसल कहते हैं। स्मूथ मसल बेसिकली लार्ज मसल स्पिंडल शेप सेल्स पर, एक एक सेल्स पर मबनी होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप लंबे लंबे, एक उसमें एक एक सेल मौजूद होते हैं और शीट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अच्छा, इसकी मूवमेंट कैसी होती है कि ये अपने गिर्द ही जो है ना, जैसे ये आपको मैं एक ब्लड वेसल दिखाऊं, ठीक है, तो ये मसल बेसिकली इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, 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 ये सब जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने आप को खींच लेते हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है, यानी कि देख कम हो गया इसका शेप, और इसी तरह ये एक सुखड़ जाता है और 360 डिग्री एंगल पर मूव कर जाता है, जिसके स्क्वीज हो जाता है, यानी कि जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं। से बेसिकली सिंगल न्यूक्लियेटेड होते हैं, यानी कि ये देखिए एक ही न्यूक्लियस है इन सेल्स में, और नॉन स्ट्राइएटेड, इसमें आप देखें इसमें आपको स्ट्राइएशन एक्टिन और मायोसिन की जो स्ट्राइएशन है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, इसकी जो इनर्वेशन है वो एक्चुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, तो जाहिर सी बात है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, और ये यानी कि ये मसल जितने भी हमारे पास अपने एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, बल्कि हमारा ब्रेन हमें इससे इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, हमारे पास आई में पाए जाते हैं, और एसोफेगस या जीआईटी ट्रैक में पाए जाते हैं। इसके अलावा मायोमेट्रियम यानी कि यूट्राइन मसल जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कार्डिक मसल, एज अ नेम सजेस्ट इंडिकेट दैट कार्डिक मीन्स हार्ट और मसल्स, यानी कि कार्डिक मसल, जैसे आप देख सकते हैं ये वो मसल जो हार्ट के चैम्बर्स बना रहे हों उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये सेंट्रलाइज न्यूक्लियस होते हैं, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं, और उसके जो स्ट्राइएटेड मसल्स फाइबर्स हैं, जैसे आप देखें ये इसके जो न्यूक्लियस है बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, और उसमें स्ट्राइएशंस भी मौजूद है एक्टिन और मायोसिन के मिलकर मौजूद है। अच्छा, ये वो इसकी जो नर्व सप्लाई है, वैसे कुछ बुक्स ये लिखती हैं कि जो हार्ट है उसकी अपनी नर्व सप्लाई है, वो एक्चुअली वो उस बेस पर कह रहे होते हैं कि जैसे
ऐसे नोड है, एवी नोड है, परकेंजी फाइबर्स है, वो उस बेस पर कह रहे होते हैं। मगर जो अगर इसको हम भी हम देखें कि जो जो हार्ट के मसल ऐसे नोड एवी नोड इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करवा रहा होता है। तो ये जैसे आपको पता है कि दिल तब जब बंद होता है तो बंदा ऊपर ही चला जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये वो मसल जो सारे दिन कंट्रैक्ट रिलैक्स यानी सारे दिन अपने एक्शन प्रोवाइड परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, जो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ यहाँ पर कि जो हार्ट मसल है वो सिर्फ उस टाइम रुकता है जब दो टाइम पर रुकता है, एक तो जब बंदा मर जाता है, दूसरा जब बंदा छींकता है। इसीलिए हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह शुक्र है तूने हमें वापस दूसरी ज़िंदगी अता फरमाई। तो आप लोग भी ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया इनवॉलंटरी मसल एक्शन परफॉर्म करता है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको मेन डिफरेंस बताऊं, जैसे स्मूथ मसल्स में अगर आप देखें, ये देखें एक ही सेल्स है, एक एक सेल्स है, लॉन्ग मसल एक एक सेल्स मौजूद है जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये कार्डिक मसल में क्या है, जो ये देखिए लाइन देख रहे हैं आप, स्ट्राइशन जिसको हम कहते हैं, स्ट्राइशन मौजूद होती है, इसमें स्ट्राइशन मौजूद नहीं है स्मूथ मसल में। जब कार्डिक मसल में स्ट्राइशन भी मौजूद है और जो न्यूक्लियस है ये ब्लू कलर वाला ये भी मौजूद है इसके, मगर मकदार में आप अगर आप देखें थोड़ा सा कम है, किससे, स्केलेटल मसल के। स्केलेटल मसल में क्या है, जो स्ट्राइशन है उसकी मकदार भी ज़्यादा है, मसल्स की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है, और जो न्यूक्लियस है देखें ये न्यूक्लियस की मकदार भी ज़्यादा है और स्ट्राइशन भी ज़्यादा है, और बेसिकली इनका फंक्शन भी डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। अच्छा, अब हमारे पास टाइप ऑफ मसल फाइबर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मसल तो हमने पढ़ लिए, अब हमारे पास टाइप ऑफ मसल फाइबर आ जाते हैं। मसल फाइबर्स के टाइप्स कौन सी होती है, हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं इसकी तीन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास जिसको हम स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं, और सेकंड है हमारे पास फास्ट ट्विच 2A फाइबर जिसको हम कहते हैं, और थर्ड जो हमारे पास है वो फास्ट ट्विच 2X या 2B लोग इसको कहते हैं। तो मैंने जैसे मैं जिस तरह मैंने याद किया है तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बेस पर याद किया है इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखें जो स्लो ट्विच फाइबर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मकदार ज़्यादा है, उसके मुकाबले जो फास्ट ट्विच 2A है उसमें मकदार बराबर है, जबकि 2X फाइबर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मकदार क्या है, कम है, बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है कि वो हमारे लिए पावर हाउस ऑफ सेल है, जैसे सबको पता है वो हमारे पास ATP बनाता है और ATP को हम यूज़ करते हैं। तो ATP जब बनाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन की मकदार भी ज़्यादा होगी, तो जब ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होगी तो इसका क्या कलर होगा, इसका कलर रेड होगा, जबकि इसका कलर क्या होगा, इसका कलर पिंक होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मकदार कम है, और इसके मुकाबले में 2X जो है ना उसमें वो वाइट इन कलर होंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मकदार बिल्कुल कम ही है या नहीं है। ऐसा जो स्लो ट्विच फाइबर है ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हार्ट के मसल्स आपको पता है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करें हमारे हाथ या पांव के मसल जितने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मगर वो हायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। खैर, ये इधर आप हार्ट के मसल्स को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये स्केलेटल मसल के टाइप, मसल फाइबर्स के टाइप। अच्छा, जो हमारे पास 2A मसल फाइबर है वो इंटरमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि मगर अच्छा ये नहीं थकते, ये समहाउ थक जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमारे जो इरेक्टर स्पाइनल मसल्स है जिसकी वजह से हम सारा दिन खड़ा रह सकते हैं, ये वो मसल्स हैं, और इंटरमीडिएट मसल जो हमारे पास मतलब जैसे हमारे हाथ बाइसेप मसल्स है, मतलब ये काम तो करते हैं काफ़ी ड्यूरेशन के लिए, काम भी कर ले जाएंगे मगर थकते भी हैं, जबकि ये मसल्स नहीं थकते हैं, ये कम थकते हैं, और ये मसल्स जो है ना जल्दी थक जाते हैं। ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ उठा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्ज करें आप एक बहुत ज़्यादा हाई वेट उठा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप हाई वेट उठाते हैं एक ही बार में उठा लेते हैं और दूसरी बार या तीन बार ज़्यादातर उठा लेंगे, उसके बाद आप ज़्यादा नहीं उठा सकते, तो उसमें क्या है कि जो आपको फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं वो अपने एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कंपेयर और करते हैं कि जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो फोर्स कम जनरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्विच
2x फाइबर, जबकि इंटरमीडिएट मसल्स है वो भी दरमियाना फोर्स जनरेट कर जाते हैं, मगर जो 2x फाइबर है वो बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करते हैं मगर कम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा कर करके ज़्यादा करते हैं ये इंटरमीडिएट, यानी कि ये इसका भी साथ देते हैं, इसका भी साथ देते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे ही हमारी एनर्जी रिक्वायर हो तो एकदम से एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और उस मसल को देता है, इसीलिए ये मसल सारा दिन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं। जबकि इंटरमीडिएट मसल जो 2x फाइबर है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार इंटरमीडिएट यानी कि बराबर मकदार में मौजूद होती है, जबकि 2x फाइबर है इसमें बिल्कुल कम मकदार में मौजूद होती है। अच्छा, ये जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है, ये क्या होता है कि ये जो है ना फटीक रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये फटीक नहीं होते, जबकि जो 2a फाइबर है ये दरमियाना होते हैं। अगर ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे तो फटीक होंगे, अगर दरमियाना काम करवाओगे इससे तो ये फटीक नहीं होंगे, जबकि जो 2x फाइबर है वो बहुत ही जल्दी फटीक हो जाते हैं। अच्छा, जब इसमें ज़ाहिर से बात है 2 स्लो ट्विच फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार मौजूद है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाएगा, ATP ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, जबकि जो ये है जो फास्ट ट्विच 2a फाइबर्स है, इनमें ऑक्सीजन की मिकदार भी मौजूद होती है और ग्लूकोज मौजूद होता है, जबकि जो 2x फाइबर है इसमें क्या, ये ग्लूकोज यूज़ करेगा और जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज मौजूद है वो यूज़ करेगा ब्लड में, या जो अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो एकदम से ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसको यूज़ करेगा। अच्छा, जो 2x स्लो ट्विच फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जबकि ये कुछ अरसे के लिए, जब और जो 2x है वो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है या कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है। अच्छा, हाइनमैन्स साइज प्रिंसिपल मैं आपको एक समझाता हूँ कि बेसिकली कहता क्या है। ये हाइनमैन्स जो है कि एक आप कह सकते हैं फिजिसिस्ट थे, ठीक है, उसका पूरा नाम एल्बर्ट हाइनमैन था। उसने क्या बताया कि उसने जो प्रॉपर्टीज़ बताई मोटर न्यूरॉन्स की और उसके मोटर यूनिट की, जो मसल फाइबर्स को जो इनर्वेशन मिलती है उसके बारे में उसने बताया था ये, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप ऐसे समझे कि आपने अभी एक चीज़ उठानी है, जैसे कि आपने उठानी है क्या, आपने फ़र्ज़ करें आपने एक बहुत ही भारी चीज़ उठानी है, या फ़र्ज़ करें आपने 50 kg वाली एक बोरी उठानी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि दिमाग में आपने बनाया कि मैं क्या कहते हैं बोरी उठाऊँगा, तो जो आप फोर्स आपको चाहिए वो आप ऐसे समझे कि ये एरिया जो होगा वो फोर्स का होगा और ये एरिया जो मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट करेगी ये एरिया उसका होगा। तो सबसे पहले आपने हाथ आगे बढ़ाया, यानी कि उस टाइम तक कम फोर्स रिक्वायर थी, देखिए कम फोर्स रिक्वायर थी इसलिए मोटर जो हमारी नर्व सप्लाई थी वो भी कम थी। जब जैसे ही आपने चीज़ को पकड़ लिया, जो बोरी को पकड़ लिया, तो इस टाइम फोर्स रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई, यानी कि आपको ज़्यादा फोर्स दरकार थी क्योंकि आप इसको सही से टाइटली ग्रिप कर सको, तो जो हमारी ब्रेन है उसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया, यानी आपको मोटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा मिली। जब आपने एक चीज़ को उठाया, ठीक है, जब आपने एक चीज़ को पूरी तरह से उठा लिया, ठीक है, तो हमारी जो ब्रेन है उसने आपको पूरी तरह से मैक्सिमम लेवल पर सपोर्ट किया, यानी कि जो आपकी मोटर रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी और आपको फोर्स भी ज़्यादा जनरेट करनी पड़ी। तो यहाँ तक आपको समझ आया, बेसिकली हाइनमैन्स प्रिंसिपल यही कहता है कि जब आपको कम फोर्स रिक्वायर होती है तो आपको सबसे पहले जो है ना कम जो मोटर यूनिट है उसको रिक्वायरमेंट होती है, यानी मोटर सप्लाई उसको सबसे पहले होती है, उसके बाद जब ज़्यादा आपको चीज़ रिक्वायर हो फिर उसके बाद ज़्यादा, यानी कि सबसे पहले आपके साथ जो सेल्स हैं, देखें इन सेल्स को कम एनर्जी रिक्वायर होती है, सही, ठीक है, इनको कम एनर्जी रिक्वायर होती है। अच्छा, इसके बाद फिर जो ज़्यादा बड़े सेल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, उसके बाद फिर जो सबसे बड़े सेल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। आप ऐसे समझ लें कि जो आप, अच्छा, आप ऐसे समझें कि आपकी बॉडी में जो है ना एक पाइप्स है, ठीक है, पहले छोटा पाइप है, फिर बड़ा पाइप है, फिर उससे बड़ा पाइप है, जो सबसे पहले नंबर पर आपके रास्ते में यहाँ से पानी गुजर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपके रास्ते में आ रहा है छोटे पाइप्स, तो सबसे पहले छोटे पाइप्स भरे जाएंगे, फिर उसके बाद बड़े पाइप्स भरे जाएंगे, फिर उसके बाद और बड़े पाइप्स भरे जाएंगे। तो बेसिकली हाइनमैन्स
प्रिंसिपल यही कहता है कि सबसे पहले मोटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबसे छोटे यूनिट्स पर होगी, उसके बाद दरमियाना यूनिट्स पर होगी, और उसके बाद अगर ज़्यादा रिक्वायर होती है तो ज़्यादा उस पर जो मोटर यूनिट है उस पर होगी। अच्छा, तो इस एग्जांपल से जैसे मैंने आपको बताया, इस फाइबर्स को हम क्या कहेंगे, वन ए जो स्लो ट्विच फाइबर कहेंगे, इसको हम कहेंगे फास्ट ट्विच, इंटरमीडिएट टू ए फाइबर जिसको मैंने आपको पिछले उसमें बताया, इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है यानी कि 2x फास्ट ट्विच 2x फाइबर्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इनको एनर्जी कम रिक्वायर होती है, इसको ज़्यादा रिक्वायर होती है, और उसके और इनको सबसे ज़्यादा रिक्वायर होती है, मगर ये कम टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, ये फिर उससे कम पीरियड इससे ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं, और ये जो मसल है वो इससे कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली हाइनमैन्स प्रिंसिपल था। अच्छा, रिसर्च हम देखेंगे कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम सेट प्रिंसिपल देखते हैं। सेट प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जिसकी एब्रिवेशन है स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। सेट प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आप जो अपने जिस्म को दोगे, अपने मसल्स को जो आप चीज़ दोगे वो वही एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि आप डांस सीखना चाहते हैं, तो शुरू में आप जब डांस स्टेप्स करते हैं वो आपसे प्रॉपर नहीं होते, तो जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं, जो आप अपनी बॉडी को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे होते हैं। तो बेसिकली यही जो सेट प्रिंसिपल है वो कहते हैं, ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ वुल्फ लॉ था। वुल्फ लॉ क्या था कि जब आप बोन्स को जितना ही स्ट्रेस प्रोवाइड करोगे तो बोन्स विड्थ में और लेंथ में इंक्रीज होंगे, ये उसी से लिया गया है, जो कि दिया गया था 1958 में बर्कले, जो कि प्रोफेसर थे फिजिकल एजुकेशन फ्रैंकलिन एम हैरी, जिसने ये हाइपोथेसिस दी थी जो कि बेसिकली मोटर लर्निंग के बारे में थी। अच्छा, दूसरा रिसर्च मैं आपको बताऊं जिसको हम कहते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर आपको अपनी मसल्स की पावर और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा मसल ज़्यादा काम करे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट करे और बहुत अरसे तक यानी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप काम कर सको, तो इसके लिए आपको क्या होगा, क्या चाहिए होगा कि आपने अपने जो मसल्स हैं उसको जो है ना जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपने या उसको लोड आपने ज़्यादा देना होगा, यानी उस पर आपने ज़्यादा लोड देना होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक कैपेसिटी उस मसल की ज़्यादा होगी, यानी उसकी रिक्वायरमेंट एटीपी की रिक्वायरमेंट या जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका मसल ग्रो करेगा, और इसकी वजह से आपको क्या होगा एंड्योरेंस भी बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी उठा सकते हो। अच्छा, बेसिकली एंड्योरेंस किसी को कहते हैं, एंड्योरेंस मतलब जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको एंड्योरेंस कहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था डॉक्टर थॉमस एल डेलोरम ने इन वर्ल्ड वार टू। इसके बाद हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं। ये आजकल के जो जिम लवर्स हैं या जो जिम जाते हैं उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सर डेलोरम ने ये बेसिकली ये क्या कहते हैं प्रोटोकॉल या ये स्पेसिफिक जो एक थ्योरी थी दी थी, तो इसमें उन्होंने क्या कहा गया कि उसने अपने पेशेंट को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशंस दिए, यानी कि उसको कहा कि आप 10 बार एक चीज़ को उठाओ अपने पेशेंट को ताकि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो। मगर यही चीज़ इसने जब बाद में इसने देखा, इसने यही चीज़ को और मॉडिफाई किया और उसने ये एक स्पेसिफिक एक जो प्रोटोकॉल का हो आप या एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं थ्योरी रखी, जिसमें वो बताता है कि आपने प्रोग्रेसिवली यानी कि 3 सेट लगाने हैं हैवियर और हर सेट में जो है ना 10 रिपीटेशन हो, यानी कि आपने 10 बार एक चीज़ उठाई 10 बार फिर रखती, फिर 10 बार उठाई फिर रखती, फिर 10 बार उठाई फिर रखती। इसीलिए जो फिजियोथेरापिस्ट से या जो एक्सरसाइज करते हैं वो 3-3 सेट लगाते हैं या 4-4 सेट लगाते हैं जिसमें 10-15 रिपीटेशंस होते हैं। इसने जो डेलोरम है इसने इस जो इसका प्रोटोकॉल था इसको नाम दिया प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है जो मसल की एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है दिन ब दिन। सो थैंक यू सो मच गाइज़।
अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। खुदा हाफिज़। Modify, stop, drop it low, but pick it up carefully, work them glutes like you in physical therapy.